मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रोल रोटेशनल मोशन में होता है, रोटेशनल मोशन में होता है, सेम रोल जो है, सेम रोल मास का जो है वो लीनियर मोशन में होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक्चुअली रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है, दैट इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, ये रोटेशनल मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमने पढ़ा होगा ना, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। यहां पे आएगा टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन state of rest or state of rotational motion. Motion, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? Moment of inertia. तो moment of inertia क्या? Actually inertia है, लेकिन rotational motion का inertia है, moment of inertia. इसके फॉर्मूले क्या होते हैं समझने की कोशिश करो। मतलब ये डिसाइड करता है रोटेशनल मोशन का इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले इसके फॉर्मूले पे आते हैं जरा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, सपोज अगर कोई सिंगल पार्टिकल है, लेट्स से सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, और चलेगा एक सिंगल पार्टिकल है, उसका मास जो है वो एम है, ठीक है, लाइक दिस वे, और ये पार्टिकल इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, उसका रेडियस क्या है? तो सिंगल पार्टिकल के लिए, अगर कोई सिंगल पार्टिकल है परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस स्क्वायर, दैट इज मास इनटू रेडियस स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर moment of inertia, tendency of a body to maintain state of rest or state of rotational motion. जो रोल मास का linear motion में होता है, वही रोल moment of inertia का rotational motion में होता है। मास decide करता है linear inertia, तो moment of inertia decide करता है rotational inertia, ठीक है। So इसकी unit और dimension क्या बनेंगे? सीयर इसकी unit बनेगी, SI unit हो जाएगी, that is kg meter square, और CGS हो जाएगी, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, टेंसर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर, ठीक है। बस इसका डायमेंशन क्या होगा? दैट इज एम वन एल टू, मास का एम हो जाएगा और लेंथ का एल टू हो जाएगा, मीटर स्क्वायर एल टू। जो टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ओके। तो हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कुछ समझ में आया आप लोग को थोड़ा बहुत? यस सर, कॉपी कर लीजिए इसको, तो और फॉर्मूले बताते हैं, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं।
हो गया? यस सर। अब उसके दूसरे फॉर्म में मान लो अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तब क्या होगा? तब फिर हम लोग कुछ इस तरीके से करें, और डिस्क्रीट पार्टिकल्स सी लिखा है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल्स और डिस्क्रीट पार्टिकल्स अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं तो मान लो अगर सपोज कर लो बहुत से पार्टिकल्स हैं इस तरह से, और ये जो है सपोज कर लो ये एक्सिस है, इसको ए ओ आर बोलते हैं बेटा। ए ओ आर का मतलब होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम वन एम टू एम एन बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका रेडियस कितना बन रहा है? लेट्स से आर वन, इसका रेडियस बन रहा है लेट्स से आर टू, इसका रेडियस बन रहा है लेट्स से आर एन। तो वो क्या करेंगे, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। एन पार्टिकल्स हैं तो ये हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस 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 एम एन आर एन स्क्वायर। इसका मतलब हुआ समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। तो दिस इज अ सेकेंड फॉर्मूला। आफ्टर द सेकेंड फॉर्मूला
Done, sir. अब आते हैं थर्ड पार्टिकल का, कंटिन्यूस बॉडी का। अभी मैं सबका एग्जांपल लूंगा, ठीक है। कंटिन्यूस बॉडी मतलब जिसको तुम सेपरेट नहीं कर पा, ऐसी बॉडी कोई, लाइक दिस वे, ऐसे। ये कोई बॉडी ले ले, इसका मास एम ले लेते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है आर है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों फॉर्मूले बताऊंगा कैसे काम करते हैं। हाँ, अभी बताऊंगा कैसे काम करते हैं, पहले तीनों फॉर्मूले अच्छे से देख लो, लिख लो। हो गया बेटा, डन? यस सर। अच्छा, हमें तो मैं यूज बताता हूँ। चलो पहले हम कुछ एग्जाम देखो। फर्स्ट मामले का तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मास इनटू रेडियस स्क्वायर है, हो जाएगा। हम डिस्क्रीट पार्टिकल का पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। सी है? मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। लेट्स से एग्जांपल्स, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, लेट फोर मासेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर of side L. Find moment of inertia. Four masses each having mass M. Find moment of inertia about an axis passing through center of square and perpendicular to plane of square. तो ऐसा समझ लो कि मान लो ये कोई स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर ले लेते हैं, उसकी साइड जो है वो एल है, और जो एक्सिस है वो सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर जा रहा है इस एक्सिस पे। ये
ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, साइड एल, और फोर मासेस इस तरह से रखे हुए, एक मास इधर है, एक मास इधर है। तो फोर मासेस है तो हमारा फॉर्मूला कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन पार्ट, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अच्छा मास इधर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेडियस, इससे हो जाएगा दिस विल बी द रेडियस, हियर रेडियस, हियर रेडियस, तो सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस लेना पड़ेगा तो फोर टाइम्स हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, अगर ये एल है, अगर ये एल है और ये एल है तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, मतलब हाफ ऑफ द डायगोनल, ये वैल्यू कितनी होगी, दिस इज आर। अच्छा ये पूरा डायगोनल कितना होगा, पूरा डायगोनल हो जाएगा एल रूट टू, पाइथागोरस थ्योरम, तुमको तो आधा चाहिए, दिस इज आर, दिस इज आर, आर क्या हो जाएगा एल बाय एल रूट टू का आधा, एल बाय रूट टू हो जाएगा, समझा क्या, तो ये हो जाएगा फोर एम एल बाय रूट टू होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा दैट इज टू एम एल स्क्वायर। एम अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, समझा सर, पता होने एक बार, फोर मासेस चार कॉर्नर पे थे ना बेटा, ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालोगे अगर वो ऐसे घूम रहे हैं, बताओ मतलब ऐसे है, देखो ये फोर मासेस इधर रखे हैं, ये सब सर्कल कर रहे हैं ऐसे, लाइक रेडियस क्या बनेगा, ये बनेगा ना रेडियस हाफ ऑफ द डायगोनल, तो हाफ ऑफ द डायगोनल कैसे निकालो, अगर स्क्वायर है एल और एल है तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल रूट टू पाइथागोरस थ्योरम से, और एल रूट टू का आधा करो, एल रूट टू डिवाइडेड बाय टू, रेशनलाइज कर लेंगे एल बाय रूट टू, तो चार मासेज हो गए एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर, तो फोर एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दिया, हो गया सो, आर क्या होगा हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, समझा yes. ऑन दिस क्वेश्चन, तो अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
हो गया हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। यस सर। अच्छा अब आते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे। जो थर्ड फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन वाला, उसका बताते हैं। ये आपके सिलेबस में डेरिवेशन भी है, ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, देयर इज अ रिंग हियर, तो एक रिंग ले लेते हैं जैसे ये, इट्स लाइक अ रिंग, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस कहां से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास भी है। एक्सिस पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये एक्सेस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है रिंग के, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो एक काम करिए, छोटा सा एक मास ले लीजिए इधर। मास क्या है इसका? डीएम। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आर। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो गया फिलहाल तो। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल आर। आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा, डीएम। अच्छा इसका टोटल मास एम ले लेते हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करेंगे ना, तो मतलब टोटल मास ऑफ दी गया, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन। सारे छोटे छोटे मासेज ऐड करेंगे तो क्या होगा? टोटल मास ऑफ रिंग। रिंग आ जाएगा तो ये हो जाएगा दैट इज आर स्क्वायर, और डीएम क्या हो जाएगा? दैट इज वो कैपिटल एम बन जाएगा। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये समझ में आया फॉर्मूला आप लोग को? ये यहीं पे कर लेते हैं, आर स्क्वायर और डीएम क्या बन जाएगा? दैट इज एम। तो ये आई का फॉर्मूला क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। तो ये रिंग का हो गया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। जैसी दी डेरिवेशन, डेरिवेशन में आया? समझा है डेरिवेशन? अब हम लोग एक और करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। हाँ बेटा बोलो सर। मतलब हमको अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको
फॉर्मूले में डायरेक्ट पूरे रिंग का मास यूज करना है ना? नहीं, सब में अलग अलग होता है। अब जैसे डिस्क में करेंगे थोड़ा अलग हो जाएगा, रिंग का इजी था इसलिए छोटे में हो गया, तभी मैं डिस्क का करा, ठीक है? तो वो आपको समझ में आएगा, सबका अलग अलग रहेगा, सेम थोड़ी ना डेरिवेशन रहेगा सब। सर वो नहीं सर, वो क्वेश्चन में अगर ये आया रिंग का, तो मास पूरे रिंग का लेना है ना? हाँ, यस यस, पूरे रिंग का मास, यस, कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द रिंग, मैंने लिखा है, टोटल मास ऑफ द रिंग, आर इज द रेडियस ऑफ रिंग,